हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। और HTML का पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी टैग होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, HTML में किस तरीके से कोडिंग करी जाती है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एक ही वीडियो में आपको काफ़ी कुछ HTML के बारे में क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए HTML को। इसके लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत लगेगी। किसकी जरूरत लगेगी? टेक्स्ट एडिटर। तो वो कहाँ मिलेगा? तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। अगर आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो उसमें आपको मिल जाता है नोट पैड। तो ये नोट पैड को ओपन कर लेना है। कोडिंग हमें इसी पे करनी है, ठीक है। अब यहां से एक नई फाइल लेनी है और ये हमें यहाँ पे आ जाना है। तो अब हमारे पास एक नई फाइल भी आ चुकी है, देख सकते हैं ये हमारी नई फाइल है। और अब हमको यहीं पर कोडिंग स्टार्ट करनी है। देखिए HTML में कमेंट कैसे लिखा जाता है। कमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप कोडिंग करेंगे मार्कअप लैंग्वेज में तो वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। यानी जो भी आपका कोड होगा, जैसे मान लीजिए कि आप HTML को क्यों यूज करते हैं, क्रिएटिंग वेब पेज, फॉर मेकिंग वेब पेज। तो मेकिंग वेब पेज के लिए, मेकिंग वेब पेज, वेब पेज और वेबसाइट, वेबसाइट वी यूज HTML, ठीक है। HTML हम क्यों यूज करते हैं? वेब पेज या वेबसाइट को बनाने के लिए HTML हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें पहली कोडिंग स्टार्ट करते हैं। दो तरीके के टैग होते हैं। कौन कौन से दो टैग होते हैं? एक होता है कंटेनर और दूसरा होता है एम्प्टी। यानी पहला टैग क्या है? पहला है कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर को समझना है तो आपको टैग के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला टैग है कंटेनर। दूसरा क्या है? दूसरा है एम्प्टी टैग। क्या है? एम्प्टी। तो ये दो तरह के टैग हो गए, ठीक है। कंटेनर टैग में क्या आएगा? जैसे जो टैग, अच्छा टैग किसे कहेंगे? जैसे एंगुलर ब्रैकेट आपने देखा होगा, इस तरीके से ओपन होता है फिर क्लोज होता है, इसी को हम टैग कहते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी टैग हो गया, कंटेनर टैग हो गया। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बैकग्राउंड पर कलर प्रिंट कराना है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा कि HTML को किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। टिम बर्नर्स-ली एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है CERN। उसी में काम करते वक्त इन्होंने क्या बनाया था? HTML बनाया था। अभी लेटेस्ट वर्जन जो HTML का चल रहा है वो HTML 5 चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत HTML से करनी है। ये कमेंट है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर ये कमेंट है। कमेंट कैसे लिखा जाता है? यहां पे एक्सक्लेमेशन लगा करके आप कमेंट लिखते हैं। और ये कमेंट प्रिंटिंग में नहीं आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहां पे HTML लिखा, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो है ब्राउजर के ऊपर रन करेगा। आप कैसे रन करेगा इसको देखेंगे। यहाँ पे हेड पोर्शन लिखा हमने, फिर यहाँ टाइटल पोर्शन लिखा हमने और यहाँ पे दे दिया टाइटल। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की तरफ, ठीक है। इसमें और भी चीजें हम देखते चलेंगे, जैसे कि हम इसमें बनाएंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे प्रिंट कराया जाए, तमाम वो चीजें देखेंगे। लेकिन मेन हमारा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जो ओपन होने के बाद क्लोज नहीं होते, और उन्हीं टैग को क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग कहते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन करना है, ठीक है। अब ये लिख लिया हमने बॉडी टैग। अच्छा ये बताइए, बॉडी टैग लिखा हमने तो इस पर जो भी लिखेंगे वही चीज प्रिंट होगी? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया HTML इज क्रिएटेड बाई टिम बर्नर्स, टिम बर्नर्स ली, ठीक है, इन 1989। तो ये जो लिख दिया ना, और उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे। देखिए जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले क्लोज होता है। देखिए लास्ट में बॉडी टैग आया है, क्योंकि हेड की तो जरूरत ही नहीं थी हमें, तो हेड को ऊपर ही क्लोज कर दिया। टाइटल की भी जरूरत नहीं तो टाइटल को ऊपर ही क्लोज कर दिया, लेकिन HTML लास्ट में क्लोज होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी टैग को हमने क्लोज करा, अब ये बॉडी टैग हो गया। इसके बाद HTML को क्लोज करना है, तो ये HTML भी क्लोज हो गया। और HTML को क्लोज करके जब इसको सेव करेंगे ना, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक किया हमने,
और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे ताकि ये हमें वहीं से डिस्प्ले भी हो जाए, जो भी चीजें हैं वो वहीं पे हमें दिखाई भी पड़े, इस वजह से हम इसको सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पर, ठीक है। और इसे वेब के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। HTML के फाइल की एक्सटेंशन होती है .html या .htm कह सकते हैं या .html। अब देखिए ब्राउजर की भी फाइल की एक्सटेंशन यही होती है, तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि चाहे ब्राउजर के फाइल की एक्सटेंशन की बात करें या HTML के फाइल की एक्सटेंशन की बात करें, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे .htm लिख करके सेव कर दिया। अब इसको देखते हैं डेस्कटॉप पे कहाँ आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप पर हमने सेव किया था वेब नाम से, तो ये देखिए वेब नाम से आया हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है HTML is created by Tim Berners-Lee। तो ये तो एक छोटा सा वेब पेज हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये तो व्हाइट कलर में आ रहा है बैकग्राउंड, ये देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट कलर में आ रहा है, तो बैकग्राउंड को चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉडी में एट्रीब्यूट लगाइए, ये तो टैग था, लेकिन आप इनहेंसमेंट देना चाहते हैं अपने वेब पेज को या वेबसाइट को तो इसमें एट्रीब्यूट का यूज करिए, यानी कलर लगाना है तो यहाँ पे कलर हम लगा देते हैं लाइक YELLOW, येलो कलर लगा देते हैं, तो ये येलो हो गया। अब ये जो है ना बीजी कलर येलो, ये आपका हो गया एट्रीब्यूट, इसे क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप इसको सेव करते हैं, आप देखते हैं क्या इफेक्ट आता है इसका, चलाते हैं इसको दोबारा से, यहां से सिर्फ रिफ्रेश भर कर देंगे तो देखिए यहां पर येलो कलर प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस और यहां पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बोल्ड टैग को यूज करेंगे, देखिए बी का मतलब होता है बोल्ड, आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा बोल्ड टैग, ठीक है। तो यहां पे बी लगा दिया हमने, तो इसका मतलब है कि ये बोल्ड जो है हो जाएगा, बोल्ड यानी गाढ़े में आ जाएगा, ये हल्के में दिख रहा था। कंट्रोल एस करते हैं सेव करने के लिए और इसको यहां से वापस से अब हम चलाएंगे। तो ये हमारा web.html के नाम से था, तो उसको हम दोबारा से चलाते हैं, तो यहां से चलाया तो अब देखिए यही चीज जो है थोड़ा डार्क में आया हुआ है, यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हम वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की तरफ, तो यहां पर आ जाते हैं। अब ये तो हमने कर दिया है, अब हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं, इतना पार्ट हम हटा देते हैं, ये जो दिया गया है बोल्ड टैग इसको हम हटा देते हैं, बाकी की चीजें रहेंगी। और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टेबल टैग, तो ये लगाया टेबल और यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर, टेबल के बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी, ठीक है, टेबल के बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी ये यहाँ पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 50 दे देते हैं, तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा बॉर्डर आपका। जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 दे देता हूँ तो कितना मोटा रहेगा, और अगर मैं 50 दे देता हूँ या 100 दे देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, इन सबको देखना होगा। तो यहाँ पे अभी सेल पैडिंग करने वाला हूँ, तो ये हो गया पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग और पैडिंग में डिफरेंस पूछा जाता है, यहाँ पे मैं पैडिंग को 50 रखता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको अलाइन भी कर देता हूँ, ALIGN अलाइन मैंने, ये किधर जाएगा टेबल बनेगा, तो लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, सेंटर में जाएगा, किधर की तरफ ये जाएगा ये भी अलाइन से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो अलाइन कर देते हैं यहाँ पे सेंटर, तो सेंटर कर दिया यानी बीच में ये चला जाएगा अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक टेबल हेडिंग बनाएंगे, TH माने टेबल हेडिंग, और कॉलम को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दिया। अगर आप तीन पार्ट्स में तोड़ना चाहते हैं तो 3 कर सकते हैं, चार पार्ट्स में तोड़ना चाहते हैं तो 4 कर सकते हैं। और यहाँ पे लगा देते हैं मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग लगा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो मार्क्यू का एट्रीब्यूट दे सकते हैं बीजी कलर, मार्क्यू भी एक कंटेनर टैग है, अब तक जो भी यूज किए गए हैं वो सारे ही कंटेनर टैग हैं, एम्प्टी टैग अभी तक हमने यूज नहीं किया है। अब हम आगे एम्प्टी टैग को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लें फिर। तो ये हो गया, अब मार्क्यू बीजी कलर क्या दे देते हैं, यहाँ पे रेड दे देते हैं, तो ये रेड दे दिया। आप कोई और भी कलर दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि रेड ही दिया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं जो है रेड के बजाय कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे मार्क्यू बीजी कलर यहाँ पे कर देते हैं स्काई ब्लू SKYBLUE, तो ये हो गया स्काई ब्लू, तो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर दे दिया। और यहाँ पर जो लिखेंगे ना वो चीज प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे H1 टैग लगाते हैं, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, देखिए H1 सबसे बड़ी, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, उससे छोटी H4, उससे छोटा H5 और सबसे छोटा H6 होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दे देता हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देता हूँ, माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये दे दिया, तो ये हमने दे दिया। अब चूंकि यहां पर H1 हमने ओपन किया था तो H1 को क्लोज करना होगा। इसके बाद जो है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, अब तो हिंदी हमारा पूरा हो गया, तो यहां पे H1 कर देते हैं। ये हो गया H1, H1 क्लोज कर दिया। देन यहां पे क्या करेंगे, यहां पर अब हम MarQ को भी क्लोज कर देंगे। तो यहां पे MarQ भी क्लोज हो गया, H1 भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें TH को क्लोज करना है। TH को यहां से क्लोज कर दिया, अब एंटर करके नीचे आएंगे, TR लेंगे। TR का मतलब होता है टेबल रो। एक रो के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, अब एक कॉलम भी होगा, एक या दो कॉलम होगा, क्योंकि दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया तो दो कॉलम बनेंगे। तो यहां पे कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ये कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पे आएगा स्टूडेंट का नाम, क्या आएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा। तो यहां पे नाम दे देंगे हम, लेकिन यहां पे टीडी को क्लोज करेंगे, देन फिर टीडी को ओपन भी करेंगे। अब टीडी को ओपन क्यों करना है, क्योंकि नाम लिखेंगे तो उसके लिए जगह, खाली जगह छोड़नी होगी। तो उसके लिए यहां पर पहला एम्प्टी टैग लगा रहा हूं, इनपुट टाइप, ये एम्प्टी टैग है, ठीक है, ये क्लोज नहीं किया जाता है और ये एम्प्टी टैग है। और यहां पर टेक्स्ट हम एंटर कर पाए इसलिए मैं यहां पे ये दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दिया, अब इसको क्लोज करके एंटर करके नीचे आते हैं और यहां पर क्या करते हैं, टीआर को भी क्लोज करते हैं। और टीआर के बाद बॉडी ऑलरेडी क्लोज है, टेबल को भी क्लोज कर देते हैं। आगे की चीजें हम देखेंगे, लेकिन एक बार पहले आउटपुट चेक कर लें कि हमारा आउटपुट ठीक ठीक आ रहा है या नहीं। तो यहां से इसे सिर्फ सेव भर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने सेव कर रखा था, तो ये सेव कर लिया है। अब इसको चला के देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, और माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखने के लिए आ रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ साइज 50 कर दिया इसको, और यहां से जाकर के इसको सेव कर दिया। और सेव करने के बाद यहां से इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो जैसे ही 50 किया तो देखिए बॉर्डर कितना मोटा हो गया, ये देख सकते हैं ना, यहां पर ये मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ गई इसकी। तो ये जो है बॉर्डर को आपको कैसा रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। कितना मोटा बॉर्डर होता नहीं है आमतौर पर, तो हम बॉर्डर को हल्का ही रखेंगे, इतना ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 10 कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो, ठीक है। तो ये 10 कर दिया हमने। अब इसमें कुछ और भी चीजें हम कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैं कर रहा हूं TR ओपन किया था, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एंटर करता हूं, यहां पे लिख देता हूं एज ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट कर दिया, तो यहां पे स्टूडेंट की एज आएगी, ठीक है। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, TR टैग ओपन करेंगे, फिर एंटर करेंगे, TD टैग ओपन करेंगे, और फिर यहां पर एज ऑफ स्टूडेंट के बाद TD टैग को क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहां पर हमारा TD वाला काम खत्म होता है। फिर यहां TD टैग ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहां पे इनपुट टाइप टैग लगा लेंगे। तो ये लगा लिया इनपुट, और यहां पे टाइप, और एज जो है ये नंबर्स में होगा, तो इसीलिए मैं यहां पे डॉटेड कॉमा में नंबर दे दूंगा, ये नंबर लिख दिया हमने। और इसको अब बंद करेंगे, और बंद करके टीडी को भी क्लोज कर देंगे, और देन टीआर को भी क्लोज कर देंगे। तो ये टीडी भी क्लोज और टीआर भी क्लोज, और कंट्रोल एस कर दिया हमने ताकि ये पूरा सेव हो जाए। अब इसको अगर मैं दोबारा से चलाता हूं तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर आप एज एंटर कर सकते हैं, या यहां पे जाके 1 2 3 4 ये 5 6 ऐसे आता चला जाएगा, देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमको बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे फादर्स नेम देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी को उठाते हैं, यहां से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहां से हम कर लेते हैं नीचे पेस्ट। तो ये पेस्ट कर दिया, तो अब यहां पर क्या करेंगे, फादर्स नेम देंगे। तो ये इसको हटा करके यहां पे फादर्स नेम कर देते हैं, FATHER एपोस्ट्रॉफी S लगा देते हैं, और यहां पे कर देते हैं फादर्स नेम, ठीक है। और यहां पे अब क्योंकि फादर्स नेम नंबर तो होगा नहीं, टेक्स्ट होगा, तो यहां पर टेक्स्ट कर देंगे TEXT। तो ये हो गया टेक्स्ट, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। तो इसी तरीके से फिर नीचे भी आएंगे तो नीचे भी करना है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार TD टैग को ओपन करेंगे, और फिर यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम देंगे सिटी, क्या देंगे, सिटी, CITY, ठीक है। तो यहां पर सिटी देंगे, तो यहां पर TR टैग भी ओपन होगा और देन TD होगा, तो यहां पर सिटी। अब यहां पर ये क्लोज करेंगे, तो सिटी अलग अलग हो सकती है, भाई इंडिया के रहने वाले तो इंडिया की कोई भी सिटी हो सकती है। तो ये TD किया हमने, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट टैग, क्या लगाएंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट लगा करके ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे लगाएंगे अब ऑप्शन, क्या लगाएंगे, ऑप्शन। और ऑप्शन लगाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट, SELECT, ये सेलेक्ट लिख दिया। फिर इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद इसको भी क्लोज करेंगे, और एंटर करके नीचे आएंगे, और यहां से इस ऑप्शन को कॉपी करेंगे।
ये कॉपी किया, नीचे आएंगे तो पेस्ट करेंगे इसको, पेस्ट हो गया, फिर एक बार और पेस्ट, 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 और फिर एक बार और पेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही कई बार हम पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिटीज के नाम चेंज कर लेंगे, जैसे पहले देवरिया हो गया, फिर यहाँ कर देते हैं गोरखपुर कर देते हैं, तो यहाँ पे जाके GORAKHPUR गोरखपुर हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर देते हैं लखनऊ, LUCKNOW, ये हो गया लखनऊ। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चेंज करेंगे, लखनऊ के बाद यहाँ पे कर देते हैं सीतापुर, तो ये लिख दिया सीतापुर। यहाँ पे कर देते हैं हम नोएडा, ये हो गया नोएडा, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और सिटी का नाम कर देते हैं, लाइक यहाँ पे कर देते हैं हम बस्ती, ये कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके अब देखिए सबसे पहले तो सेलेक्ट टैग को क्लोज करना होगा, तो SELECT सेलेक्ट टैग पहले क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहला काम कि TR को क्लोज कर दीजिए, सेलेक्ट क्लोज होने के बाद सबसे पहला काम कि TR को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे TR भी क्लोज कर दिया हमने। अब सारी चीजें क्लोज हो चुकी हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेना है, और कंट्रोल एस कर लेने के बाद अब इसका आउटपुट एक बार चेक करना है कि क्या आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अब ये आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये चीजें जो है ऐसे आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी सिटी इसमें सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, और ये बड़ा आसान भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये नाम जो मैंने हिंदी में लिखा है आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंग्लिश में करने के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है और ये अपने आप इंग्लिश में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसे इंग्लिश में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको हटा करके यहाँ पे लिख दूंगा माँ शारदे शारदा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, माँ शारदे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको क्लोज करके और फिर यहां से सेव कर देना है। तो बस सेव हो गया, तो अब वही चीज जो है इंग्लिश में आएगा, तो यहां पे देख सकते हैं वही चीज इंग्लिश में आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपको डेवलप कर, यहां पे वापस से हम ले लेते हैं TR टैग, और फिर यहां पे TD ले लेते हैं, और यहां पे कर देते हैं जेंडर, GENDER, जेंडर हो गया, और जेंडर को यहां से क्लोज कर देंगे, TD को क्लोज करेंगे, यानी जो जेंडर लिखा हुआ है उसको यहां से TD को क्लोज करके फिर TD को ओपन करेंगे। और TD को जैसे ही ओपन करते हैं, यहां पे देख सकते हैं ये TD ओपन हुआ है, तो यहां पे लगाएंगे इनपुट टाइप, तो ये लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं MALE मेल। तो अभी मेल लिखने से क्या होगा, यहाँ पे मेल लिखा हुआ भी आएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेल लिखा हुआ भी आने लगा है, ठीक है। अब नीचे इसके जस्ट नीचे हमें फीमेल चाहिए, तो फीमेल कैसे आएगा, तो फीमेल के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से बाहर आते हैं और वापिस कोड विंडो पे आते हैं, तो यही सेम चीज हमको फीमेल के लिए भी करनी है। तो यहाँ से उठाएंगे इसको, ठीक है, कट करेंगे और देन पेस्ट कर लेंगे, काम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया और पेस्ट करके, और फिर ये एक TR एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ से कंट्रोल एस कर लेंगे और यहाँ पे मेल को कर लेंगे फीमेल, क्या कर देंगे फीमेल, तो एक मेल का हो जाएगा और एक फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के और अब हम फीमेल कर लेते हैं FEMALE, तो ये हो गया फीमेल, तो एक हो गया मेल दूसरा हो गया फीमेल, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लोज करके और फिर यहाँ से चलाएंगे इसको, तो यहाँ से जब चलाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल जो है दोनों अलग अलग सेक्शन में आ रहा है, तो अलग अलग सेक्शन में ना आकर के एक ही सेक्शन में आए, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पर जो हमने लगाया है TD, ये TD हम हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे होगा, तो पहले तो यहाँ हम फीमेल कर देंगे FEMALE, तो ये हो गया मेल और दूसरा हो गया फीमेल, कंट्रोल एस करके इसको सेव करिए। और यहां पर
यहां पर एक बार नेम करके देखते हैं हम, ये नेम कर दिया है हमने, नेम इज इक्वल टू मेल, नेम इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है। और जबकि मेल फीमेल हमें देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने मेल फीमेल को लिखा ही है, तो नेम इज इक्वल टू जेंडर लिखेंगे, जी ई एन डी ई आर, नेम इज इक्वल टू जेंडर, और यहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू जेंडर हम दे देंगे, तो यहाँ पे जी ई एन डी ई आर, तो ये हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा आउटपुट रहता है। तो इसको हम अब यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, आप दोनों में से एक ही कोई क्लिक होगा हमारा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जेंडर वाली कोडिंग भी प्रॉपरली हमारी चलने लगी है, और इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है। अब एक और रह गया है सबमिट बटन का, तो सबमिट बटन कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पर आकर के, अब टीआर तो यहाँ पे क्लोज हो ही गया है, यहाँ से ये फॉर्म हटाएंगे, फॉर्म का कोई काम नहीं है फिलहाल अभी, तो यहाँ पे नीचे आके फिर वापस से टीआर ले लेंगे और फिर टीडी ले लेंगे, ठीक है। तो टीआर हो गया, टीडी हो गया, और टीडी लेकर के क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको एक और जो है सबमिट का बटन बनाना है। इसके लिए हम बटन टैग लगा लेते हैं, तो ये बटन एक टैग है और टाइप इसका एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है बटन टाइप इज इक्वल टू करते हैं सबमिट एस यू बी एम आई टी, तो ये हो गया सबमिट, सबमिट करना एस यू बी एम आई टी, ये हो गया सबमिट, और ये डोमेटेड कॉमा में इसे रखना है। और यहाँ पे कर देते हैं स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू, अब इसका कलर भी हम दे देते हैं, कलर सी ओ एल ओ आर, ये कलर लिखा हमने, और कलर में क्या करते हैं, कलर में देते हैं ब्लू, बी एल यू ई, तो ये कलर हमने ब्लू कर दिया है इसका। और यहाँ पर फॉन्ट की साइज भी बढ़ा देंगे, तो इसमें मैं फॉन्ट की साइज भी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा मैंने फॉन्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं एस आई जेड ई साइज, और फिर यहाँ पे दे देते हैं सेमी कॉलन, कॉलन लगाते हैं, और कॉलन लगा करके यहाँ पे दे देते हैं 30 पिक्सल, ये दे दिया हमने। और फिर यहाँ पे टर्मिनेशन देंगे, यानी सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज करके, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। फिर हमें क्या करना है, ये चूंकि बटन टैग है तो इसको क्लोज भी करना है हमें, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक काम और करूंगा, क्या काम करूंगा कि यहाँ पे लिख दूंगा बोल्ड में बी कर दिया, बी टैग लगा दिया, और यहाँ पे दे देता हूँ सबमिट, तो ये सबमिट टैग सबमिट कर दिया है बटन को, और यहाँ पे बटन टैग को क्लोज भी कर देना है, बी यू डबल टी ओ एन बटन हो गया, बटन को बंद करके, और यहाँ पे कंट्रोल एस कर देना है। तो कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर जब हम आते हैं और इसको यहाँ से चलाएंगे, तो यहाँ देखिए ये बटन यहाँ पे आ गया है, हालांकि बटन तो हमारा बन गया है सबमिट का, लेकिन ये बटन यहाँ पे आया हुआ है, तो ये जो है नीचे आए, यहाँ पे ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यानी यहाँ पर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर टी आर लगाया है ना, तो टी आर लगा करके, और फिर यहाँ पर हम देंगे टी डी, क्या देंगे, टी डी देंगे, और फिर यहाँ पर हम टी डी को क्लोज कर देंगे। कहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे जो बटन क्लोज हुआ है उसके ठीक बाद टी डी को क्लोज करेंगे। एक बार चेक करते हैं कि ऐसे में क्या परिस्थिति बनती है, क्या यहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर सबमिट का एक बटन बन करके तैयार है, और ये बटन काफी बड़ा भी है, तो इस तरीके से आप बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ पता लगा होगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आप कैंसिल का भी बटन बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा, तो जैसे सबमिट का बटन बनाया गया वैसे कैंसिल का भी बटन बन जाएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसी को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो ये पेस्ट कर दिया, और बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट दिया था मैंने, तो यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, सी ए एन सी ई एल, कैंसिल, ठीक है। और कलर इस बार मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ, यहाँ पे कलर रेड, ठीक है, आर ई डी कर दिया, और फॉन्ट साइज भी यही रखता हूँ, और यहाँ पे सबमिट की जगह कैंसिल करेंगे हम, क्या करेंगे, कैंसिल सी ए एन सी ई एल, ठीक है। और ये कैंसिल करके कंट्रोल एस करेंगे, और कंट्रोल एस करके अब एक बार चेक करना है कि हमारा आउटपुट क्या बन रहा है। तो यहाँ पर इसी के अंदर देख सकते हैं ये कैंसिल वाला आ रहा है, लेकिन हमको इधर चाहिए, इस साइड चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग और करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टी आर ओपन किया है, फिर टी डी लिया है, और यहाँ पे टी डी को क्लोज किया है, फिर टी आर को भी क्लोज किया है, तो सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, एक बार चेक करते हैं। ओ यहाँ पे देखिए टी आर, और इस टी आर को हमें नीचे क्लोज करना होगा, ये भी ध्यान देना है। तो ये यहाँ से टी आर नीचे क्लोज हो गया, कंट्रोल एस कर दिया, हो गया काम। तो अब जब इसको चलाएंगे तो देखिए यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे कैंसिल और ये यहाँ पे सबमिट,
इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, मोटाई लंबाई चौड़ाई सब बढ़ा सकते हैं बॉर्डर की। अब देखिए ये बॉर्डर की जो मोटाई है उसके बारे में एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे ये काम करता है, यहाँ पर 10 रखा है ना, अगर मैं इसको 70 कर दूँ तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर 70 कर दिया तो बॉर्डर की मोटाई काफी हद तक बढ़ जाएगी और ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए बॉर्डर की मोटाई कम रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो की जरूरत है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब बनाना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।